है, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ मैम ने करवा दी और काम हो गया। ठीक है चलो जी देखो। हाँ जी मैम एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कल क्लास लो तो 3:30 ले लेना, क्योंकि कल स्कूल भी है एक्चुअली। ओके चलो ठीक है। अगर क्लास लेंगे तो फिर मैं 5 बजे की रख लूं या नो चार मैम, बजे फोन की या फिर नहीं होता फोन, से फिर क्लासेस होंगी ना? 4 बजे से। यस मैम, 4 बजे ठीक है। यस 4 बजे देखते हैं ठीक है। बाकी मैम, मुझे अभी पक्का पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। ठीक है चलो बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू द नॉर्मल। देखो बच्चे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, जहां पर भी टेंजेंट है ठीक है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी। और बच्चे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नॉर्मल आपका फोकस से पास हो, सिर्फ इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी, जो कि मतलब देखो बच्चे मुझे टेंजेंट की इक्वेशन पता है, टी जी इक्वल्स टू 0। सो यहां से हम M1 निकाल लेंगे और M2 हमें पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, और दोनों कौन से पॉइंट से पास कर रही है, X1, Y1 से। सो वहां से क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट X1, Y1 इन पॉइंट फॉर्म। बताओ समझ में आ गया। यस ठीक है बच्चे, Y2 इज इक्वल्स टू 4ax में जो आपकी टेंजेंट होती है उसकी स्लोप क्या होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज योर 2a/y1। ठीक है तो बच्चे नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, -y1/2a। समझ में आ गया। अब बच्चे सिमिलरली पैरामेट्रिक फॉर्म में देख लो, पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगी, y इज इक्वल्स टू -dx + 2at + at³। समझ में आया। ठीक है अब देखो बच्चे, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड पैरामीटर, वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, किसी को याद है, 1/t था, यहां पर कितना होगा, -t। रिमेंबर टेंजेंट के केस में कितना था, स्लोप इज इक्वल्स टू 1/t, और इस केस में कितना है, नॉर्मल के केस में कितना है, m इज इक्वल्स टू -t। बताओ समझ में आ गया। मैम ठीक है अब देखो बच्चे, स्लोप फॉर्म ऑफ द नॉर्मल, y इज इक्वल्स टू mx -2am - am³। क्यों, क्योंकि टेंजेंट कैसी थी, टेंजेंट की इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल्स टू योर mx + a/m थी ना। ठीक है बच्चे अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेंगे और वहां से हमारा ये आंसर आ जाएगा। या फिर हम ऐसे सोच लें कि हमें ऑलरेडी स्लोप m दी हुई है टेंजेंट की, सो दिस विल सॉरी नॉर्मल की, सो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। समझ में आ गया सबको। और बच्चे इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, यहां पर स्लोप m नॉर्मल की गिवन है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट आएगी उसकी स्लोप -1/m होगी, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल होगा उसकी स्लोप -y/m होगी। समझ में आया, यस तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना। चलो जी, मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट PH, K टू द पैराबोला Y2 इज इक्वल्स टू 4ax। इफ देयर स्लोप्स आर m1 m2 एंड m3 देन m1 + m2 + m3 इज इक्वल्स टू 0, और ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा कोई बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, मतलब एक पॉइंट है H, K ठीक है, वो क्या है, कहीं पर बाहर लाई कर रहा है ठीक है, तो Y2 इज इक्वल टू 4ax पर एक टेंजेंट, मतलब इस जो पॉइंट है इससे कितने नॉर्मल गिराए जा सकते हैं, 3 नॉर्मल गिराए सकते हैं, मतलब 3 अलग अलग टेंजेंट्स पे क्या है, नॉर्मल गिराए जा सकते हैं। इतनी बार सबको समझ में आ गई। यस Yes, मैम। तो जो जो उनकी स्लोप का सम होगा वो होगा m1 + m2 + m3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया बच्चे, सिंपली क्या है, अगर आप इसको मान लोगे, इन पॉइंट में से पास होते हुए लाइन की इक्वेशन मान लोगे, उसको इसके साथ सॉल्व करोगे ठीक है, तो आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो वहां से क्या आ गया, हमारी ये इक्वेशंस आ गई ठीक है, ये रिजल्ट क्या करना है, हमें याद करना है। समझ में आ गया। अब यस देखो, मैम। इफ PT1, QT2 एंड RT3 आर 3 पॉइंट्स ऑन विच द नॉर्मल आर कॉन्करेंट, ठीक है नॉर्मल कैसे हैं बच्चे, कॉन्करेंट है, देन दीज आर कॉल्ड को नॉर्मल पॉइंट्स। लेट से दिस इज योर पैराबोला ठीक है, सो इनके जो नॉर्मल्स हैं वो क्या है, कॉन्करेंट है, मतलब एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं,
तो उस केस में क्या होगा, T1 + T2 + T3 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सेंट्रोइड इनका PQR का कहां पर लाई करेगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला पर लाई करेगा। इतनी बात सबको समझ में आती है, यस मैम। ठीक है। सो ये है हमारी कुछ कुछ कंडीशंस। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, विच इज एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर सी ऑफ द सर्कल, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट सेंटर एट पी, कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? देखो एक आपका पैराबोला है, सबसे पहले ड्रॉ कर लो। सो दिस इज योर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, सो दिस इज योर 2,0, ठीक है। एंड ये क्या है, 0,-6, इसका क्या है बच्चे, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, दिस इज समथिंग, रुक जाओ मैं बताती हूँ यहाँ पर क्या आएगा, x² + y - 6², सो यानी दिस विल बी योर 0,-6, ये क्या आ गया बच्चे आपका, सेंटर आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आती है सबको? बच्चे यस एक पॉइंट पी कहाँ पर लाई करता है, वो पैराबोला पर लाई करता है, कहाँ पर लाई करता है, पैराबोला पर लाई करता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि हम कैसे करेंगे अब ये क्वेश्चन, मैं इसका रेडियस बताती हूँ, गिव मी अ मिनट, बताओ बच्चे। इज इक्वल्स टू 1 है, ये कितना है, इज इक्वल्स टू 1 है, हाँ जी बताइए कैसे करेंगे। देखो बच्चे पी जो है ये पॉइंट पैराबोला पर है, विच इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये कहां पर है, मिनिमम डिस्टेंस पर है, सो पी यहां पर लाई करता है और ये मिनिमम डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से, ठीक है, ऑफ द सर्कल दिस। देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सी एंड हैविंग इट सेंटर एट पी, तो मतलब एक ऐसे सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 0,-6 से पास हो और पी क्या हो, उसका सेंटर हो। सबको समझ में आ गया इतना, यस मैम। समझ में आ गया बच्चे? देखो एक तो ट्रिक ये है, नहीं समझ में आ रहा, कॉम्प्लेक्स है, एक काम करो 0,-6 यहां पर पुट करके देख लो कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, बोलो। कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, यही होगा ना, यही मतलब होगा ना बच्चे, 0,-6 में से पास कर रहा है, तो बताओ कौन सी इक्वेशन है, ए किस किस का आंसर ए आ रहा है, बताओ, ए ही आएगा ना बच्चे। बोलिए जी, मैम 0,-6 पक्का ए में से ही पास कर रहा है, कोई और तो पॉइंट नहीं है, नो 54 + 18 बच्चे देख लो, यस मैम यही होगा। एक सेकेंड, 1 - 4, सी ऑप्शन चेक करो, 36 - 48 + 12, सी में से भी तो पास कर रहा है बच्चे, सी में से भी पास कर रहा है ये तो, यस मैम, रेडियस देखना पड़ेगा। है ना, रेडियस देखना पड़ेगा। चलो ठीक है बच्चे, देखो एक तो ये है कि 0,-6 को पुट करके देख लो, तो जो भी इसमें से आंसर हो वो तो पक्का होगा ही होगा, और बच्चे पी जो पॉइंट है ये पैराबोला पे लाई कर रहा है ना, मतलब जो भी सेंटर है, जो भी सेंटर है, देखो यहां से सेंटर क्या आ जाएगा, यहां से सेंटर आ जाएगा 1/8, -1, यहां से कुछ सेंटर आएगा, यहां से कुछ सेंटर आएगा और यहां से कुछ सेंटर आएगा, वो पैराबोला की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर कुछ भी नहीं आता है तो बताओ। इतनी बात तो समझ में आती है यस ना, इतनी बात तो समझ में आती है, मतलब अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता तब भी मैं ये क्वेश्चन कर सकती हूँ, कैसे, रिवर्स अप्रोच से, पी जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, तो मैंने क्या कर लिया, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए ऑप्शन में से और उठाकर उसको सेटिस्फाई करवा के देख लिया, एक तो तरीका ये है। बाकी अब हम देखते हैं सॉल्व करने वाला तरीका। बच्चे मैंने मान लिया पैरामीटर है पी का टी, ठीक है, अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने क्या किया था, इक्वेशन देखी थी किसकी, नॉर्मल की, दैट वाज वाई इज इक्वल्स टू कितनी थी, पैरामेट्रिक फॉर्म में देखिए बच्चे क्या थी, पैरामेट्रिक इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू योर -TX + 2AT + 80³, है ना, वाई इज इक्वल्स टू -TX + 80 - 2AT³,
देख लो बच्चे, यस यही मैम। इक्वेशन की थी ना अभी हमने। हाँ जी, प्लस 280 प्लस 80 क्यू, बताओ यहां तक समझ में आया? अच्छा, मैंने नॉर्मली क्यों लिखा है, कोई बता सकता है नॉर्मल क्यों लिखा है? बच्चे मिनिमम डिस्टेंस बोला है ना उसने, क्या बोला है? मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो बच्चे, जो 0, -6 है, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगी इस इक्वेशन में, सॉरी यहां से क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। इतनी बार समझ में आ गई? यस मैम, ए की वैल्यू यस 2 मैम। पुट की। बच्चे मतलब इस लाइन का डिस्टेंस 0, -6, तो मतलब अगर ये इससे मिनिमम डिस्टेंस पर है तो ये नॉर्मल टू द सर्कल भी होगा, तो 0, -6 यहां पर लाई करना चाहिए, तो आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्टली ए और एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूं, टी की ए की वैल्यू पुट करो 2 एंड 0, -6 यहां पर पुट कर दो। क्यों? क्योंकि अगर मिनिमम डिस्टेंस है तो ये सर्कल पर भी पी पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा, सॉरी ऐसा होगा, मतलब पी क्या है, सेंटर है, तो ये नॉर्मल यहां से भी पास करेगा। समझ में आ गया? जैसे पुट किया, टी की कितनी वैल्यू आ गई, देखो टी विल बी योर, बच्चे बताओ क्या होगा, -1। देख लो पुट करके, टी कितना आ गया, -1 आ गया ना। जैसे ही टी -1 आ गया तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 80 स्क्वायर। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 80 स्क्वायर, 280। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चे, एक सेकेंड, हां जी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपका 2, -4। तो कौन सा सर्कल है, सर्कल इज योर सी सर्कल। देख लो, समझ में आ गया सबको, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, द टेंजेंट पी टी एंड द नॉर्मल पी एन टू द पैराबोला एट अ पॉइंट पी ऑन इट मीट्स इट एक्सिस एट पॉइंट टी एंड एन रेस्पेक्टिवली। देखो ये है आपका पैराबोला, ठीक है, ये है आपका पॉइंट पी, इतनी बार समझ में आती है? सो ये है आपका पॉइंट टी, ये है आपका पॉइंट एन, ये तो सबको समझ में आ ही रहा होगा। द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी टी एन इन इज अ पैराबोला हूज, मतलब ये जो पी टी एन ट्राइंगल है इसके हमें सेंट्रोइड का क्या निकालना है, लोकस बताना है क्या होगा। सबसे पहले तो लोकस फाइंड कर लें, कोई बताएगा इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा? अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, पैराबोला पर लाई करेगा ना। yes, पहले तो ये बताओ पी की इक्वेशन, पी पॉइंट को मैं 80 स्क्वायर, 280 मान लू, तो टेंजेंट की इक्वेशन मुझे पता है, मुझे नॉर्मल की इक्वेशन पता है, बताओ इतनी बार समझ में आती है सबको? यस मैम। इतनी बार सबको समझ में आती है? यस मैम। पता नहीं क्या समझ में आता है क्या नहीं समझ में आता, कोई रिप्लाई नहीं करता, बस एक दो बच्चों की जगह। देखो पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने इतने मान लिए, ठीक है। अब बच्चे देखो पीटी की इक्वेशन क्या आ गई, पीटी की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताओ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, -3x + 2at, एंड पी एन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अभी अभी लिखी थी, जस्ट अभी अभी लिखी थी, लिखी थी ना, टी इज इक्वल्स टू माइनस करके समथिंग -3x + 2at + 80³। यस मैम, सॉरी वाई इज इक्वल्स टू योर -3x + 2at + 80³। बताओ यहां तक समझ में आया बच्चे? yes, इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 0 है। सो क्या मैं यहां पर पी के कोऑर्डिनेट्स है हमारा इतना, तो बच्चे टी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, क्या मैं फाइंड नहीं कर सकती, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी, तो बताओ टी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए। सिमिलरली एन के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ गए, जल्दी से बताइए कोऑर्डिनेट्स बताइए। बच्चे ये एक्सिस पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो वाई तो 0 हो जाएगा ना।
ठीक है, तो x कितना आ जाएगा माइनस 80 स्क्वायर, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिख दिया, ये आएगा माइनस 80 स्क्वायर कॉमा जीरो, और ये कितना आ जाएगा बच्चे, n कितना आ जाएगा बोलो, 280 स्क्वायर, नहीं बच्चे n कितना आएगा, t तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी योर 80 स्क्वायर प्लस 280 प्लस 2a, देख लो समझ में आया बच्चे, इतना ही आएगा ना। अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, क्या है आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, तो बच्चे एक बात बताओ सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड, दैट विल बी योर एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय थ्री, सो एक्स वन कितना है 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर प्लस 280 प्लस सॉरी 280 नहीं प्लस 2a प्लस 80 स्क्वायर, 2a प्लस 80 स्क्वायर, बताओ समझ में आया, बाय 3 कॉमा 280 प्लस 0 प्लस 0 बाय 3, बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको, तो बच्चे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके 2a प्लस 80 स्क्वायर बाय 3 कॉमा 280 बाय 3, इतनी बार समझ में आती है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब ये फिर कि कौन किसके पैरा, मतलब ये कैसा पैराबोला है, अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये इतनी चीज आ गई, या तो एक काम करो इसको h कॉमा k के इक्वल लिख लो, क्या लिख लो h कॉमा k के इक्वल लिख लो, ऐसे लिख लो, ये क्या है h कॉमा k, सो यहां से h आ गया आपका 2a प्लस 80 स्क्वायर बाय 3 एंड k आ गया आपका 280 बाय 3, समझ में आ गया जी सबको, तो बच्चे t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h लिख लो, t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k लिख लो, इतनी बार समझ में आती है? Yes, ma'am. ठीक है, जैसे ही लिख लोगे, अरे बच्चे t की वैल्यू तो वहां पर हम पुट कर सकते थे, पैराबोला में पुट कर सकते थे ना t की वैल्यू, yes, तो वहां से हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, या फिर यहीं से डायरेक्टली आंसर नहीं आ जाएगा हमारा, t को इलिमिनेट कर दो डायरेक्टली, t की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3a by 2a, बोलो यहां पर पुट कर दो, सो क्या आ गया 3h minus 2a is equals to a into, एक सेकंड बच्चा, a into 3k by 2a whole square, ठीक है, सो यहां से आपको एक पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी, देख लो मैम, h comma k को x y से रिप्लेस नहीं करना, करना है बच्चे, तो एक बार सिंपलीफाई तो कर लो, क्या आएगा सिंपलीफाई कर लो, सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी 9k स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल्स टू योर 3h माइनस 2a, समझ में आया, सो यहां से आया बच्चे k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a मतलब 12ah बाय 9 माइनस 2a बाय 9, सो यहां से क्या आ गया, ये एक पैराबोला आ गया, अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स देख लो, इसके वर्टेक्स देख लो, हो जाएगा जी, हो और इसका फोकस देख लेना, आगे चले आप, लो देख लो, ले लो, हाँ जी मैम, ये जो कोऑर्डिनेट लेते हैं ना हम, वो कभी समझ नहीं आता। ओके संध्या देखो, ये ना पैरामीटर्स हैं बच्चे, चलो मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ ये क्या चीज है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके ओके बच्चे, इसमें से ना कॉमन लेके कर लेते हैं, दिस विल बी योर, ये क्या बन जाएगा आगे जाके देखो, ये वाला जो है, एक सेकेंड इसको रिप्लेस कर देती हूँ अच्छे तरीके से, सो दिस विल बी योर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a बाय 3 इनटू x माइनस 2a बाय 3, ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा 2a बाय 3 कॉमा 0 हो जाएगा, इतनी बार समझ में आती है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह जो होगी वो निकाल लेना। बच्चे संध्या कह रही हैं कि उनको ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये बिल्कुल समझ में नहीं आते, चलो देखते हैं क्या है ये पैरामीटर वाली चीज। संध्या बच्चे देखो, हमने क्या किया, हमने ये मान लिया कि ये जो पैराबोला है ना आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, इस पर एक पॉइंट लाई करता है जो कि है p, ठीक है। अब बच्चे एक तो चीज है कि मैं इसको एक्स वन कॉमा वाई वन मान लू, ठीक है, मैंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर रही, मैं ना इसको एक t की टर्म्स में लेके आना चाह रही हूँ, किसकी टर्म्स में, सिर्फ एक ही पैरामीटर हो, एक ही अननोन हो मेरे पास, तो मेरे पास था y square is equals to 4ax,
ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बच्चे एक्स को जैसे ही मैं ए टी स्क्वायर पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a² t² बोलो। तो वाई कितना आ गया, प्लस माइनस 2at। होता भी यही है, एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 2y मिलते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। तो मैंने मान लिया कि जो जनरली जो पॉइंट है वो है 80² 2at काइंड के। जब t पॉजिटिव होगा तब ऊपर वाला पॉइंट मिल जाएगा, जब t नेगेटिव होगा तो नीचे वाला पॉइंट मिल जाएगा। बताओ इतनी बार समझ में आती है, क्लियर है जी। सो इस तरीके से हमने पैराबोला पर कोई भी पॉइंट, लाइक कोई भी पॉइंट है, मैं उसको 80² 2at से लिख सकती हूँ। अब सोचो बच्चे पैराबोला क्या, हम 80² ही क्यों लिया? बच्चे 80² इस कारण लिया, मैंने माना था कि एक पैरामीटर है टी। अब मुझे ये नहीं पता था वो क्यूब भी आ सकता था, वो कुछ भी आ सकता था, ठीक है। मैंने इसको देखा, मैंने बोला यार ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनना है ना तो ठीक है, 4 का तो 2 हो गया। अब ये ए है, मुझे एक और ए चाहिए, मतलब एक्स में एक ए आना चाहिए। इतनी बार समझ में आती है बच्चे, है मैम ना। आ गया समझ। तो ए तो आ गया, अब x है, x की जगह t स्क्वायर रख दिया ताकि ये 2at बन जाए। ऐसे सोचते हैं, रिवर्स सोचो कि अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें क्या और चीज होनी चाहिए। अगर हो जाए y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, अरे नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो यानी x को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो p कितना आ जाएगा, -80² 2at। सेम चीज है, बस साइन बदल गया उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है, रिवर्स सोचा है, फाइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट पी बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एस ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट एस पी इंटरनली, ठीक है। ऐसा है, ये पैराबोला है और ये कौन सा होगा, 2,8, ऐसा होगा कुछ, ऐसा सर्कल है, ठीक है। अब P पॉइंट जो है वो पैराबोला पर लाई कर रहा है, दिस इज योर P पॉइंट एंड दिस इज योर S। अगर बच्चे ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसका मतलब ये क्या है, मतलब कैसी है लाइन, नॉर्मल है, नॉर्मल टू द पैराबोला होगा तभी आएगा ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अभी अभी तो हमने क्वेश्चन किया था, अभी अभी किया ना ऐसा क्वेश्चन। और ये एक पॉइंट है क्यू, जो कि एसपी को क्या करता है बच्चे, इंटरनली डिवाइड करता है। क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। हमें बस ये बताना है कि यहां पर जो क्यू, जो भी स्टेटमेंट है उसके बारे में बताना है। बताओ इतनी बार समझ में आती है। और जो क्यू पॉइंट है वो सर्कल पर लाई करता है, वो कहां पर लाई करता है, सर्कल पर लाई करता है। इतनी बार समझ में आ गई सबको। अगेन क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेंगे, वाई इज इक्वल्स टू -tx प्लस 2at प्लस at³। बताओ इतनी बार समझ में आ गई। अब ये जो एसपी लाइन है ये इसके सेंटर से, दैट इज योर 2,8 से पास हो गई, पुट कर दो, ए की वैल्यू भी पुट कर दो, ए इज इक्वल्स टू 1। सो वहां से हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी, तो मतलब मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बोलो पी और एस में आपको डिस्टेंस पता चल गया और आपको ये भी पता है कि रेडियस कितना है, ठीक है। तो बच्चे एस क्यू हो गया रेडियस के इक्वल, एंड एस पी डिस्टेंस आप फाइंड कर लेंगे अंडर रूट, जो भी x2 - x1 करके आएगा, देख लो। समझ में आ रहा है सबको, पी के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए 80² 2at, जैसे ही टी की वैल्यू आ गई, और एस के कोऑर्डिनेट्स मुझे ऑलरेडी पता है। क्यू क्या होगा, आर के इक्वल होगा, तो मैं क्यू पी नहीं निकाल सकती, एस पी माइनस एस क्यू इज योर क्यू पी। समझ में आ गया जी सबको। अब फिर आंसर देख लेना, सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। चलो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हाँ जी। मैम, तो लास्ट क्वेश्चन है ना, उसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा है, तो वहां पर हम ए को एलिमिनेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट ए। अच्छा ए की वैल्यू 1 आएगी, कंपेयर करते हैं, इलिमिनेट नहीं करते हैं। जैसे लगा लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x होता तो ए की वैल्यू 2 होती ना, तो यहाँ पर इक्वेशन में ए की वैल्यू 2 पुट कर देते। हम जैसे 1 लगाएंगे, 1 को इंटू भी करेंगे तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, तो जहां पर हमने पी के कोऑर्डिनेट लिखे हैं वहां पर सिर्फ टी स्क्वायर और 2t नहीं लिख सकते?
बच्चे मैं आपको यही बता रही हूँ, यहाँ पर जब हम जब भी लिखते हैं ना तो हम जनरल लिखते हैं, ऐसे तो हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा अरे ए की वैल्यू 1 है तो टी स्क्वायर लिख दो। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, ए की जो भी वैल्यू है पुट कर दो। ठीक बोल रहे हो आप कि 1 है यहाँ पर, सोचो अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x होता तो, यस मैम, है ना, लिखना पड़ता ना, इसीलिए ए लिखते हैं। ए की वैल्यू 1 आ गई तो वो ऑटोमेटिकली टी स्क्वायर हो गया, बस। ये तो एक स्पेसिफिक केस आ गया ना। चलो अगर किसी ने बोला कि नहीं मैम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x रख दो, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी ना। यस मैम, इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड टू नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट T1 T2 इज दिस। बच्चे क्या बोल रहा है कि अगर दो नॉर्मल्स हैं, एक है पॉइंट T1 पर, मतलब P T1 पर, दूसरा है पॉइंट T2 पर, ठीक है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मैंने मान लिया ये है क्यू, मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अरे T1 वाले की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y इज इक्वल्स टू -T1x प्लस 2AT1 प्लस AT3, राइट, AT1³ एंड QT2 वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चे, दिस इज योर पॉइंट Q, दिस इज योर पॉइंट R, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू -T2x प्लस 2AT2 प्लस AT3³। अरे बच्चे दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, आंसर आ जाएगा। वैसे तो मैं तो कभी भी याद ना रखूं, बट अगर आपको याद रखना है तो आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रख सकते हैं। समझ में आ गया? तो यस पॉइंट ऑफ मैम, इंटरसेक्शन क्या आएंगे, x1 क्या आएगा, 2a प्लस a इंटू T1² प्लस T1 T2 प्लस T2², ठीक है, फिर माइनस ए T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। समझ में आ गया? चलो जी, अब सेकेंड देखो, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1 मीट्स द कर्व अगेन एट T2, देन T2 इज इक्वल्स टू -T1 -T2। सोचो दिस इज योर पैराबोला, ठीक है, ये एक पॉइंट है P पॉइंट जिसका पेरिमीटर है T1। ये क्या है, यहां से मैंने गिराया नॉर्मल, ठीक है, यहां से जब मैंने नॉर्मल गिराया तो ये एक कर्व को T2, मतलब एक पॉइंट होगा ना Q जिसका पैरामीटर होगा T2, वहां पर कट कर रहा है। सो T2 वो होगा -T1 -2/T1 के इक्वल। इतनी बार समझ में आती है जी सबको, क्लियर यस मैम, है? सो ये हमें एक क्या दे रखा है, एक और पॉइंट दे रखा है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, लेट एल बी अ नॉर्मल टू टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो बच्चे यहाँ पर वन क्या आ गया, ए कितना आ गया, 1 आ गया। इफ एल पासिस थ्रू नाइन कॉमा सिक्स नॉट क्या, इसमें मैम दिख रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा था सॉरी मैम, क्वेश्चन नहीं दिख रहा था। अब दिख गया, यस मैम, ओके देखो बच्चे, अगर एल क्या है, नॉर्मल है एक पैराबोला का वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है, और वो पास करता है 9,6 में, तो हमें बताना है कि एल की इक्वेशन क्या है। बच्चे अगर मैं आपकी जगह हूं, अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, तब भी मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले 9,6 पुट करके देख लूंगी चारों ऑप्शन में से, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं उनको हटा दूंगी, ठीक है। अगर सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, मेरी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरे को पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अब यस सर, देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, क्या करना है, y इज इक्वल टू -tx प्लस 2at प्लस 80³, है ना, a की वैल्यू पुट कर दो 1, y की वैल्यू पुट कर दो 6, x की वैल्यू पुट कर दो 9, क्या मुझे t की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, देखिए जाएगी। 6 इज इक्वल टू योर -90 प्लस 2t प्लस t³, सो दिस इज योर t³ -70 -6 इज इक्वल्स टू 0, देख लो, यस मैम, बताओ। तो बच्चे अगर मैं t की वैल्यू कितनी पुट करूं, -1 पुट करूं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, t इज इक्वल्स टू यस माइनस मैम, रूट होगा ना, यस
तो यानी टी सेटिस्फाई प्लस वन इंटू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जीरो। तो ऐसे ऐसे करके आप टी की तीन वैल्यू फाइंड कर सकते हो, लेकिन मेरे को पता है कि टी इज इक्वल्स टू माइनस वन मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। क्यूबिक को ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, जैसे ही मैंने टी को माइनस वन पुट किया तो मुझे कौन सा मिल गया, वाई इज इक्वल्स टू योर एक्स माइनस टू माइनस वन। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री, सो वाई माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इजी था, कुछ नहीं करना था, बस मैम। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको रखना था और जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसको पुट करना था और वहां से टी की वैल्यू निकाल लेनी थी। समझ में आ गया जी सबको? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, ओके। तो बच्चे यहाँ मैम। पर आज जो है हमारा नॉर्मल वाला खत्म होता है। अभी हम नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, अभी और भी पढ़ेंगे। यहां तक बताओ बच्चे, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, किसी में तो कोई डाउट नहीं आया होगा ना? ओके। अच्छा, अब इसके अलावा मुझे एक बात बताओ, जितना भी हम अभी तक कर चुके हैं बच्चे, वैसे तो मेनली ना पैराबोला का जो होता है वो यहीं तक आता है, पर अब जो हम करेंगे ना वो मेनली ना आपका एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं रेदर देन मेंस के, बट हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मुझे जल्दी से बता दो डायरेक्टर सर्कल क्या था, व्हाट वाज द डायरेक्टर सर्कल? मैम एक्स की जगह तो मैंने सेंट मैम एक सेकंड आप बताइए, कंसेंट बोलो। मैम याद नहीं अरे है अभी तो आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था बीच में? मैम। तन्वी हाँ तन्वी बताइए। मैम, जो हमें सर्कल गिवन होता है उसका एक कंसेंट्रिक सर्कल होता है जिसकी रेडियस अंडर रूट 2 r होती है। नो मैम। ओके, तो डायरेक्टर बच्चे क्या होती है बताओ, आप बताओ। की इक्वेशन ना, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन बताओ क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल होता क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल? बच्चे डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? मैम सर्कल पे जो दूसरा पॉइंट होता है जहां से टेंजेंट बनती है, तो वो उस पॉइंट से लेके वहां तक और जो डिस्टेंस होता है उसमें जो सर्कल बनता है नहीं वो बच्चे, है। बिल्कुल भी नहीं बच्चे, ये शायद आप सर्कम सर्कल की बात कर रहे हो, जब हम दो पॉइंट से टेंजेंट गिराते हैं, राइट? आप शायद कंफ्यूज कर रहे हो दोनों चीजों में। डायरेक्टर सर्कल वही होता है जो तन्वी ने बताया, कॉन्सेंट्रिक टू द सर्कल, और जिसका रेडियस क्या होगा बच्चे, अंडर रूट 2 r होगा। कितना होगा? अंडर रूट 2 r होगा। समझ में आया? यस ठीक है, तो बच्चे आप जो भी बोल रहे हो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो शायद आप दो टेंजेंट्स वाला बता रहे हो। ठीक है, मैम। चलिए जी, अब हम करते हैं बच्चे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पैराबोला। बच्चे देखो, हमेशा क्या होता है, जो जो चीज हम टेंजेंट के लिए करते हैं वही वही सारी चीज हम क्या देखते हैं, किसके लिए देखते हैं बच्चे, नॉर्मल के लिए देखते हैं। हाँ जी अजय, आप कुछ पूछ रहे हैं। मैम अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ना लगे ऐसा भी क्वेश्चन होगा मैम? हाँ जी बिल्कुल होगा। अच्छा डीपी के सॉल्यूशंस क्या पूछ रहे हो संध्या? मैम अच्छा आपने जब शिवा नाम है फीडबैक आपका? पूछा था ना अच्छा तब। फीडबैक डीपी, अच्छा डीपीपी के सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो मैम, बच्चे देखो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पूछेगा नहीं ना ऐसा क्वेश्चन, देखो जब हम 12th में जाएंगे ना हमें ना मैक्सिमा और मिनिमा पूछेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, जैसे ये एक कर्व है, सिर्फ देख के बताना है, और ये एक कर्व है, ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले में? शिवा, ये जो पॉइंट होगा जो सबसे ऊपर चोटी पर पॉइंट होगा, यही क्या होगा, मैक्सिमा होगा इसका, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पर ले रहा है, यहां पर ले रहा है। समझ में आ रही है इतनी बात? और इसमें मिनिमम वैल्यू होगी। अगर मैं आपको इस केस में बोलूं कि मिनिमम वैल्यू बताओ, आप बता पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मुझे क्या पता क्या है मिनिमम वैल्यू, राइट? और यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमम तक जा रहा है, तो आप ये भी नहीं बता पाओगे। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी उठा के पूछ देंगे, उसका मतलब क्या होता है कि सिग्निफिकेंस होना चाहिए, या तो आप उसको बाउंडेड करो, लेट से कि पी जो है वो आपका एल आर के अंदर होना चाहिए, जैसे ये है और ये एल आर है, पी जो है ना आपका इसी रीजन में लाई करता है,
तब हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं, अदरवाइज अगर पी पूरे पैराबोला पे कहीं पर भी लाई कर सकता है और फिर आप पूछ रहे हो कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए, बच्चे वो नहीं हो पाएगा। आपको शिवा का क्वेश्चन समझ में आया? जो हमने क्वेश्चन किया ना कि पी जो है वो मिनिमम डिस्टेंस से है, कहां से? सेंटर से, है ना? शिवा पूछ रहे हैं मैम अगर मिनिमम डिस्टेंस की जगह अगर मैक्सिमम हो तो कैसे करेंगे? बच्चे मैक्सिमम तो वो पता नहीं इन्फिनिटी पे बैठा होगा। समझ में आया शिवा? हाँ जी सिमरन आप कुछ कह रहे थे, बोलो बच्चे। सिमरन यस मैम। आप कुछ कह रहे थे? नो मैम। ओके चलो जी, अब देखते हैं बच्चे कुछ और रिजल्ट्स। अभी तक हमने जितने रिजल्ट्स देखे थे, हमने दो रिजल्ट्स देखे थे, क्या कि अगर पैरा मतलब अगर नॉर्मल है, ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल नॉर्मल जो है वो पैराबोला को उसी मतलब पैराबोला को दोबारा कट करता है, तो टी टू इज इक्वल्स टू माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन। अभी तक हमने ये देखा था ना, अब हम और रिजल्ट्स देखेंगे। इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax एट पॉइंट टी वन एंड टी टू इंटरसेक्ट अगेन ऑन द पैराबोला एट द पॉइंट टी थ्री, ठीक है, तो मतलब दोनों क्या है टी थ्री पर कट कर रहे हैं। लेट से दिस इज योर पैराबोला, राइट, एंड दिस इज योर टी वन वाला पॉइंट एंड दिस इज योर टी टू पॉइंट। समझ में आया बच्चे? अब तो पैरामीटर में कंफ्यूजन नहीं हो रही है। टी वन टी टू का क्या मतलब है? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन। संध्या बताओ बच्चे, समझ में आ रहा है अब तो? ठीक यस मैम, अब आ रहा है। है, तो बच्चे इसका मतलब क्या हो जाएगा? टी वन टी टू इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टू के, एंड टी थ्री आपका इक्वल हो जाएगा माइनस टी वन प्लस टी टू के, एंड द लाइन ज्वाइनिंग टी वन एंड टी टू पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट माइनस टू ए कॉमा जीरो। तो ये जो लाइन है ये पास करेगी आपकी कहां से? माइनस टू ए कॉमा जीरो से। बताओ समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, ओके चलो जी, अब हम करते हैं फोर्थ रिजल्ट। इफ ऑड ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देन टी वन टी टू इज माइनस फोर। सो सबसे पहले देखो कि कॉर्ड क्या है। कॉर्ड है आपकी ए बी, दिस इज योर ए बी कॉर्ड। जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि फोकस से पास होगी। ये वर्टेक्स पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है? 90 डिग्री। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए टी वन और इसके मान लिए टी टू, तो इसका मतलब क्या है? टी वन इंटू टी टू क्या हो जाएगा? माइनस फोर हो जाएगा। सबको समझ में आता है इतना? सो यस दिस इज द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए इज द पॉइंट। बच्चे जो भी हम सबसे पहले तो क्या करो, ग्राफ बना लिया करो। नहीं भी कुछ समझ में आता है ना तो ग्राफ बनाओ। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ए कहां पर है? पॉइंट है ऑन द पैराबोला। द नॉर्मल एट ए कट्स द पैराबोला अगेन एट बी। बताओ इतनी बार समझ में आती है? यस इफ मैम। ए बी सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द वर्टेक्स, ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करनी है? ए बी की स्लोप फाइंड करनी है। मैंने मान लिया ए का पेरीमीटर है टी वन और इसका पेरीमीटर है टी टू। बताओ इतनी बार समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे, अभी मैंने अभी अभी जस्ट रिजल्ट देखा था कि टी वन इंटू टी टू क्या होता है? माइनस फोर के इक्वल होगा। सो बच्चे ए बी के स्लोप ऑफ ए बी हम कैसे दे सकते हैं? दिस विल बी योर टू ए टी वन माइनस टू ए टी टू अपॉन ए टी वन स्क्वायर माइनस ए टी टू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। समझ में आया? तो बच्चे ऊपर से टू ए कॉमन ले लो, टी वन माइनस टी टू, और ये क्या आ गया? ये आ गया ए इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू। बताओ समझ में आया यहां तक? तो बच्चे क्या आ गई? स्लोप कितनी आ गई? अरे ये तो हमने वैसे भी किया हुआ था बच्चे, कोड की स्लोप कितनी होती है? टू अपॉन टी वन प्लस टी टू होती है। अच्छा, हमने एक और प्रॉपर्टी की थी, अभी अभी की थी जस्ट, कि अगर मैं नॉर्मल गिराती हूँ टी वन से, अगर वो दोबारा किसको मिलता है? कर्व को मिलता है टी टू पर। सो टी टू इज इक्वल्स टू समथिंग था, रिमेम्बर? याद है?
टी टू इज इक्वल्स टू इसमें माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन, अभी अभी करवाया था किसी ना। सेट में तो बताया था बच्चे मुझे मैंने। दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल्स हैं, क्या हम टी वन प्लस टी टू नहीं फाइंड कर सकते वहां से, यस मैम, है ना, कर सकते हैं ना। सो यहाँ पर एक और रिजल्ट लिख लो बच्चे। पता नहीं आजकल क्या होने लग गया, हम एक्स्ट्रा पेज ही नहीं रखते हैं। टी टू मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन। सो यहां से देखो, टी वन टी टू इज इक्वल्स टू योर माइनस टी वन स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, टी वन टी टू की वैल्यू कितनी है बच्चे, माइनस फोर है, तो पुट कर दो, माइनस फोर प्लस टू मस्ट बी इक्वल्स टू योर माइनस टी वन स्क्वायर। समझ में आया? सो दिस इज योर माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टी वन स्क्वायर। सो यहां से क्या वैल्यू आ गई, टी वन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, तो बच्चे टी टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी योर टू बाय सॉरी टू इंटू अंडर रूट टू। इतनी बार समझ में आती है सबको, यस मैम, टू इंटू अंडर रूट टू प्लस माइनस, अगर प्लस लोगे तब भी वही चीज आएगी। सो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगी, टू बाय टी वन प्लस टी टू। सो दिस विल बी योर टू अपॉन अंडर रूट टू प्लस टू रूट टू या प्लस माइनस टू रूट टू। समझ में आ गया? यस मैम, क्लियर है यस जी? अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? मैम, तो बच्चे ऐसे क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप कैसे भी चाहो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो आपको जो भी पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, चलिए जी अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करके देखें ये कितना आएगा, कोई बताएगा कितना आएगा? थ्री बाय रूट टू। चलो जो भी आंसर आएगा वो देख लेना। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स, फोर एक्स एट एक्स वन कॉमा एक्स वन सबस्टेंड्स राइट एंगल एट दिस थिंग। ये है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर एक्स और आपका फोकस हो गया 1,0। क्लियर है जी इतना? अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या गिवन है, यहां पर क्या गिवन है बच्चे, कि जो पॉइंट है वो कितना है, एक्स वन कॉमा एक्स वन है, इसका मतलब पॉइंट क्या है, सेम है ना, मतलब एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई वन है। यस मैम, ठीक है, अब देखो बच्चे, नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस थिंग एट एक्स वन कॉमा वाई वन सबस्टेंड्स अ राइट एंगल एट द। अब मुझे बताना है कि राइट एंगल कहां पर सबटेंड करती है, फोकस पर सबटेंड करती है, वर्टेक्स पर सबटेंड करती है, एंड ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पर सबटेंड करती है। सबसे पहले तो मैं इसको मान लेती हूं कि ये जो भी है ये है आपका ए बी, मतलब लाइन क्या है, ए बी है, ये है टी वन और ये है टी टू। बताओ इतनी बार समझ में आई? यस मैम, बच्चे अगर ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा एक्स वन, सो इसका मतलब टू ए टी वन मस्ट बी इक्वल्स टू योर ए टी वन स्क्वायर, यही होगा ना इसका मतलब, तभी इक्वल आएंगे ना, यस मैम, है ना। तो बच्चे यहां से टी वन की क्या वैल्यू आ गई, टू आ गई, देख लो बोलो। बहुत देर लगाते हो आप लोग, मैम फोकस है आंसर, क्या फोकस है मैम आंसर? आंसर फोकस हाँ जी, हाँ जी फोकस है। है। बताओ समझ में आया इतना? यस मैम, टी वन कितना आ गया, टू आ गया, तो क्या मैं सिमिलरली टी टू की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकती? क्यों, क्या था, टी टू इज इक्वल्स टू माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन, बोलो दैट विल बी योर माइनस थ्री। ठीक है, तो बच्चे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके जो भी कोऑर्डिनेट्स है, लिख दो यहां पर जो भी कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे दैट विल बी योर 16,16, यही आएगा ना, बोलो। ठीक है, यस हाँ हाँ बोलो बोलो बच्चे। ये पॉइंट मैंने मान लिया एस, ठीक है, अब देखो अगर ये कॉर्ड है तो क्या मैं ए एस की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ, क्या मैं एस बी की स्लोप फाइंड कर सकती हूँ, कोऑर्डिनेट्स तो मुझे मैम, पता चल गए। ठीक है,
तो बच्चे इन दोनों के स्लोप्स बताओ कितनी आएगी, स्लोप्स बताइए जल्दी से कितनी आएंगी। मैम 4/3 और -3/4। तो बच्चे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है, एएस आएगी ना 4/3 एंड ये आएगी -3/4, यस मैम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है -1 के इक्वल है, तो यानी ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, सो द आंसर इज फोकस। सबको समझ में आ गया। अब बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आपने एस के साथ ही क्यों निकाला, क्यों, क्योंकि ना फर्स्ट ऑप्शन मेरा ए दिया हुआ था, मैंने एस निकाल लिया, अगर ए नहीं आता तो हम क्या करते, वर्टेक्स 0,0 पे देखते, हम क्या करते एओ और ओबी की स्लोप निकालते और फिर देखते कि वो कौन सा एंगल बना रही है, ठीक है, अगर ये तब भी नहीं होता तब हम एलआर से देखते। समझ में आया बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि हमने निकाला कैसे एंगल। ओके चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ अ नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला देन इट्स लेंथ इज, अरे बच्चे देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या होती है याद है, हमने कुछ एंगल के साथ किया था, अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये ए है ये बी है, तो क्या होता है 4a समथिंग एंगल की टर्म में क्या था, कॉसी पढ़ता ही नहीं कि 4a कॉसिकेंट स्क्वायर अल्फा, रिमेम्बर किया था ना, बोलो बच्चे कुछ याद नहीं है, रिमेम्बर। अच्छा चलो पहले, सबसे पहले तो ना मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बना देती हूँ, अगर ये 45 डिग्री है तो ये ऐसी होगी, देखो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी एंड दिस इज योर 45 डिग्री, बोलो। अच्छा बच्चे यस मुझे एक मैम, बात बताओ, कॉसिकेंट 45 डिग्री, 45 की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। बच्चे 1/√2 तो साइन की होती है ना, √2 होती है ना, सॉरी, 1/√2। तो बच्चे ए बी की लेंथ तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अगर नहीं भी आता तो तब भी देख लो, 80² , 280 मान के करो, चलो भूल जाओ कि आपको नहीं आता, ये नॉर्मल है, ये 82² , 282, T1 और T2 क्या मैं फाइंड नहीं कर सकती, अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी देखा था ना, इसकी स्लोप निकाल लो ए बी की, वो टेन 45 डिग्री के इक्वल रख दो, तो वहां से मेरे टी की वैल्यू आ जाएगी, T1 T2 में एक रिलेशन आ जाएगा, बोलो बच्चे यस आ जाएगा ना रिलेशन, जैसे ही रिलेशन आ गया तो वहां से हमारा काम हो जाएगा, अदरवाइज ए बी की अगर मैं इक्वेशन लिखूं किसकी टर्म्स में, वाई इज इक्वल टू -T1x +2A T1 +ATQ, जितने मर्जी तरीके हो वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, तो यानी यहां से हमें क्या मिल गया, एक सेकेंड ना, देखो स्लोप कितनी है 10 45 डिग्री और वो कितनी है -T1 के इक्वल, सो यानी T1 की वैल्यू कितनी आ गई -1 के इक्वल, इतनी बार समझ में आ गई, ठीक है, सो T2 यस कितना आ गया -T1 -2/T1, सो बच्चे दिस इज योर 1 + 2 दैट इज योर 3, बोलो समझ में आया। अब बच्चे अगर आपको ये यस पता ही मैम, चल गया तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, -2 एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 9, 6, देख लो, बोलो। तो बच्चे आंसर यस कितना आ गया, ए बी की लेंथ कितनी आ गई 8√2 के इक्वल, सो दिस इज द आंसर, समझ में आ गया जी। यस मैम, यस मैम, नॉर्मल टू अदर स्टैंडर्ड पैराबोलास, बच्चे सेम चीज है, अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, जैसा हमने टेंजेंट के केस में किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay है, कैसे करेंगे बताओ, बताओ कैसे करेंगे,
इक्वेशन ऑफ क्या लिख दें? नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बताओ इसके केस में क्या थी, y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स प्लस टू ए टू प्लस ए टी क्यूब। बताओ इतनी बार समझ में आती है? Yes, अब बच्चे सेकंड वाला तो बिल्कुल इजी है, a को रिप्लेस कर दो किससे, माइनस a से, तो बताओ कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? y इक्वल्स टू माइनस टी एक्स माइनस टू ए टी माइनस माइनस ए टी क्यूब। ओके बच्चे यहाँ पर ना हमें काम करते हैं, हमें ना बहुत सारी इक्वेशंस लिखनी पड़ जाएंगी, m की टर्म्स में भी लिखने लग जाएंगी पड़ जाएंगी, हमें ना एक ही चीज रख लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन m एंड t, ठीक है, रिलेशन बिटवीन m एंड t मतलब स्लोप और पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, इतनी बार समझ में आती है? अब देखो मैं ऐसे पता क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको एक इक्वेशन अगर याद हो गई तो आपको सारी इक्वेशन याद हो गई, बोलो ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। सो टेंजेंट के केस में m और t के बीच में क्या रिलेशन होता है एंड नॉर्मल के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि हम टेंजेंट की जो सारी इक्वेशंस हैं वो लिख चुके हैं ना, इस केस में m किस चीज के इक्वल होता है, वन बाय टी के इक्वल होता है, तो इस केस में किसके इक्वल होगा, माइनस टी के इक्वल होगा। बताओ सबको समझ में आती है इतनी चीज? अब नेक्स्ट वाले केस में माइनस वन बाय टी के इक्वल होगा किसमें, क्योंकि a इज रिप्लेस्ड विद द माइनस a ना, सो दिस विल बी योर माइनस वन बाय टी, सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, t के इक्वल, यहाँ पर होता है m इज इक्वल्स टू t एंड यहाँ पर होता है माइनस t, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा वन बाय टी, सॉरी माइनस वन बाय टी, और यहाँ पर कितना हो जाएगा वन बाय टी। बताओ इतनी बार सबको समझ में आई है? जो भी इक्वेशन हमने लिखी हुई है ना सेम रखी रहनी है, बस उनकी जगह m की जगह क्या, जो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं ये आ जाए। हमने लास्ट लेक्चर में किया था ना टेंजेंट की इक्वेशन की थी ना हर पैराबोला के केस में, बोलो मैम हमने तो नोट्स भी नहीं देखे हैं, है ना। ओके यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं यहाँ पर सिर्फ स्लोप फॉर्मेट में, स्लोप फॉर्मेट में क्या इक्वेशन होती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस ए बाय एम, किसकी होती है, टेंजेंट की होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप m को रिप्लेस करोगे 1 बाय t से तो आपको किस फॉर्म में मिल जाएगी, पैरामेट्रिक फॉर्म में। संध्या बच्चे अब समझ में आ रहा है, ठीक है, और सेम जो रिलेशन है आपको कहीं पर भी काम आ सकता है, ठीक है। चलिए जी अब करते हैं क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y ड्रॉन एट द पॉइंट 1, 2। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, कैसे कोई बता सकता है? बच्चे सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, t इज इक्वल्स टू 0, वहां से मुझे स्लोप पता चल जाएगी, बोलो एक्स एक्स वन इज इक्वल्स टू योर 4, अच्छा मैं इसको ना डायरेक्ट लिख देती हूँ 2y प्लस 2y1, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो ये कितना बन गया, ये बन गया x इज इक्वल्स टू योर 2y प्लस 4, सो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कितनी आ गई बच्चे, माइनस वन बाय टू, सॉरी 1/2 आ गई, देख लो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी आ गई, 1/2, बोलो। तो बच्चे नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, माइनस टू, सो इक्वेशन क्या हो गई, वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, सो दिस विल बी योर माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस टू, सो दिस इज योर वाई प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आ गया, इजी है ना बच्चे, टेंजेंट की इक्वेशन तो हमें निकालनी आती है, उसकी तो परपेंडिकुलर लाइन है नॉर्मल, और तो क्या ही है, क्लियर है जी? अब बताओ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। गलती तो नहीं कही कुछ, देख लो एक बार, क्लियर है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अरे टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये वाले क्वेश्चन तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना तब कर लेंगे, ठीक है बच्चे, प्रैक्टिस क्लास में पक्का आना है, बस ये वाला क्वेश्चन कर लो। ये वाला रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट पासिस थ्रू
फोकस एंड वाइस वर्सा, मतलब बोल रहा है कि ये क्या है आपका एक पैराबोला है, रे पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, अगर ऐसी कोई रे जा रही है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट पासेस थ्रू द फोकस एंड वाइस वर्सा, जैसे यहां पर आपने क्या कर दिया, एक मिरर लगा दिया, या फिर एक ऐसे लगा लो, दिस इज योर मिरर, और लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, कोई मुझे बताएगा ये कौन सा मिरर एक्ट करता है? हाँ, इसीलिए क्या होगा, पैरेलल रेज कहां से जाती हैं, कहां से जाती हैं बच्चे, फोकस से ही पास होती है ना, सेम वही चीज यहां पर बोली गई है, समझ में आया, ठीक है, सो अगर ऐसा है कि फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और बाकी बाकी बच्चे सारे के सारे रूल्स क्या है, सेम है, कैसे क्या इमेज का डिस्टेंस, ये सारी चीजें सेम है, समझ में आ गया, और ये रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फाइन जी, चलिए बच्चे, ओके, थैंक यू बच्चे, और बच्चे कल की अगर क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज सैटरडे को तो है ही है, थैंक यू, बाय बाय।